फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये जो आपके फेशियल हेयर्स होते हैं या फिर ये अपर लिप्स के जो हेयर्स होते हैं, उनको आप कैसे इजीली घर पर ही रिमूव कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 मिनट्स में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने ये फेशियल हेयर्स को किस तरह से रिमूव करती हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये VC ब्रांड की कटोरी वैक्स। ये वाइट चॉकलेट वैक्स है। कटोरी वैक्स तो आप सब यूज़ ही कर चुके होंगे अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, लेकिन आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, इस तरह की वाइट चॉकलेट फेशियल वैक्स या फिर चारकोल फेशियल वैक्स। ये बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स में आती है और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। ऊपर से ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, तो इस पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है फरवरी 2019 और इसकी एक्सपायरी है फरवरी 2021, यानी कि आप इसे 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। और इसके MRP है 169 रुपीज़, लेकिन ये आपको ऑनलाइन अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाएगी। तो ये अंदर से कुछ इस तरह की पैकिंग में है, प्लास्टिक रैप में है और इस तरह की कटोरी में आती है ये वैक्स। नॉर्मली जैसे कटोरी वैक्स होती है, बट ये वाइट चॉकलेट वैक्स है। ये वाली जो वैक्स होती है, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है आपके फेस के लिए। आपको सिंपली गैस पर रखना है और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो आपको अपने फेस पर लगाना है। मैं आपको इसे अप्लाई करके बताती हूँ आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो सबसे पहले आप अपने फेस पे कोई भी टैल्कम पाउडर लगा लीजिए ताकि हमारी स्किन का जो सारा मॉइस्चर है वो दूर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे अपर लिप्स के हेयर अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा मैसी तो होता है, इसमें वैक्स आपको गर्म करनी पड़ती है, फिर उसके बाद फेस पे अप्लाई करनी पड़ती है, बट आप घर पर ही इजीली अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि आप वैक्स को अच्छे से गर्म करें और जब आप उसे अप्लाई करें अपने फेस पर तो अपनी फिंगर से टच करके देख लें वो ज़्यादा गर्म ना हो। और ये वैक्स जल्दी ड्राई भी हो जाती है, तो हो सकता है कि आप जैसे अपना ये फेशियल हेयर रिमूव कर रहे हैं तो आपको बीच में एक और बार गर्म करनी पड़े वैक्स। जितनी ज़्यादा पतली वैक्स होती है उतनी ही वो अच्छे से हेयर्स को रिमूव करती है। अप्लाई करने से पहले आप टैल्कम पाउडर अपने फेस पे अप्लाई कर ले ताकि आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाए। तो इसकी जो भी परचेज लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। VC ब्रांड की अपनी पर्सनल वेबसाइट है जिसकी की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने यहाँ के हेयर रिमूव कर सकते हैं, अपर लिप्स के रिमूव कर सकते हैं, जिन लोगों के चिन पे आते हैं वो रिमूव कर सकते हैं। और इतनी क्वांटिटी की वैक्स आपकी 10 टाइम्स तक चल सकती है। हम जो नॉर्मल वैक्स होती है उससे अगर अपने फेशियल हेयर रिमूव कराएंगे तो भी हमारे फेस पर पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं। जो कटोरी वैक्स होती है वो फेशियल हेयर के लिए ज़्यादा ठीक रहती है। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।